हाँ जी गुरु गोसाई कहते हैं, गोसाई माने क्या? गो माने गौ और स्वामी माने स्वामी। गोसाई का बिगड़ा रूप ही है गोसाई या गोसामी। स्वामी माने मालिक, गोसाई बिगड़ा हुआ रूप है, गौ कन्याओं माताओं को कहा जाता है, उन कन्याओं माताओं का स्वामी भक्ति मार्ग में कृष्ण को बताए दिया है। समझते हैं कृष्ण भगवान है परंतु वास्तव में है शिव बाबा की बात। कलयुग अंत में शिव बाबा आता है कन्याओं माताओं की लाज बचाने के लिए, इसलिए गौशाला नाम याद है, विख्यात है, प्रचलित है। बाप ने आकर के ये गौशाला खोली, गौओं की रक्षा करने के लिए। जो रक्षा करने वाला है वो ही मालिक कहा जाता है। और सन्यासियों के लिए कहेंगे कि वो गृहस्थ को छोड़ करके दूर चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने विकारों को जीत लिया। तो कहा जाता है दूरबाज खुशबाज, ये उनका हद का सन्यास है। बेहद का सन्यासी, बेहद का वैरागी तो बाप ही आकर के बनाते हैं। भक्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, छोड़ छाड़ के भागने की बात नहीं है। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इच्छा मात्र अविद्या बनने की बात है। असली बैराग इसी बात में है। कहा जाता है काम जीते जगत जीत, कामना इच्छा को कहा जाता है। अब वो कामना की पुत्री पूर्ति एक इंद्रिय की भोग की बात हो या सभी इंद्रियों की भोग की बात हो, कहेंगे तो कामना ही, कामना कहो इच्छा कहो बात एक ही है। और भक्ति मार्ग का भगवत गीता का जो चित्र है उसमें अर्जुन और चार घोड़े को बताया तो छह आत्मा हो गई है, तो छह आत्मा हो गया ना। ये कौन यहाँ कृष्ण दिखाया गया है, वहाँ भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान समझ लिया है। वास्तव में कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो शिव बाबा है। परंतु भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाया गया है उसको समझाने के लिए कृष्ण का चित्र देना पड़ता है कि पहले पहले भक्तों ने कृष्ण को ही भगवान माना, तो एक आत्मा ऐड करनी पड़े, नहीं तो अर्जुन
जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी है, भाग्य का अर्जन करने वाला है, दूसरा कृष्ण है भाग्य का अर्जन करने वाला, इन दोनों में शिव परमात्मा है, तीन आत्माएं हो गई। रथ पर सवार होने वाली जिसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है, रथ अलग है, रथ शरीर को कहा जाता है, और जो चार घोड़े दिखाए गए हैं वो चार धर्म की चार बीज रूप आत्माओं को दिखाया गया है। उनमें एक है ठेठ पूर्वीय सभ्यता का प्रतीक, बाकी तीन दिशाओं के तीन मुख्य दिग्पाल के रूप में तीन घोड़े दिखाए गए हैं, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। और कृष्ण अर्जुन जो है रामकृष्ण आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा, ये तीनों ही आत्माएं तीन नेत्रों के रूप में दिखाई जाती हैं, इसलिए त्रिनेत्री कहा जाता है। जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, और चार धर्म की जो उन्नति पूरी आत्मा है ना, राम की आत्मा बड़े में रथ में, मन कहो, बुद्धि कहो, घोड़ा तो है ना, एक बुद्धि प्रधान है और एक संकल्प प्रधान है, संकल्प को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि जरूर चाहिए, और बुद्धिमानों की बुद्धि तो शिव ही है, वो इस शक्ति पर आता है तो मनुष्य शक्ति का जो बीज है उस मन रूपी आत्मा को पहले पहले बुद्धि प्रदान करता है। जिसे ज्ञान सूर्य का लकबा दिया जाता है, वास्तव में ज्ञान सूर्य तो शिव ही है, सूर्य अलग है और सागर अलग है। सूर्य में तो सदैव ही रोशनी रोशनी है, कचरा या अंधेरा कभी नहीं होता है, और सागर में कचरा भी है और रतन भी भरे पड़े हैं, गहराई भी है, उथलापन भी है, तो वो प्रजापिता की निशानी है। सारी दुनिया में जब गौरव नरक बन जाएगी, तो वैकुंठ की स्थापना होगी, उस समय वैकुंठ में प्रकृति सतत प्रदान होगी, बाहरी दुनिया में समुद्र बन जाएगी, तो माउंट अबू तपस्या भूमि में प्रकृति कैसे होगी? जहाँ आत्मिक स्थिति होती है और आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा हो जाती है, वहाँ प्रकृति का कोई बस नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति
100% जड़त्वमयी भी होती है और आत्मा 100% चैतन्य है। पावरफुल कौन है? आत्मा पावरफुल है। प्रकृति तो जड़त्वमयी होने के कारण चैतन्य के द्वारा संचालित है। जैसे मनुष्य तो बहुत छोटा है और उसके द्वारा बनाए हुए जो यंत्र हैं, एटम बम है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, रेल है, यान है, समुद्री जहाज है, कितना बड़ा तैयार हो जाता है। दुनिया में इतने बड़े बड़े जानवर हैं, वो मनुष्य के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे ही जो आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त करती है वो उतनी ही ऊंची स्टेज पकड़ती है और नीचे वाली आत्मा को कंट्रोल कर लेती है। जिनकी बुद्धि जड़त्वमयी है तो मूल बात है याद की, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु अणियांशम अति सूक्ष्म परमात्मा है उसकी याद से वो सूक्ष्मता का बल प्राप्त होता है। प्रकृति जल है, जड़ है, क्योंकि जड़त्वमयी प्रकृति परम पिता परमात्मा बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाती। और अपना तामसी रूप दिखाती है, उस तामसी रूप का प्रभाव उस वायुमंडल पर नहीं पड़ सकता। जो चैतन्य की याद से भरा पूरा है और सारी दुनिया की नजर, सारी दुनिया की एकाग्रता बुद्धि की अंतिम विनाश के समय कौन सी जगह टिकी हुई होगी? माउंट आबू में। तो कितना प्रभाव बढ़ जाएगा चैतन्यता का। तो दुनिया में प्रकृति हड़कंप मचावेगी, दुनिया का बिगाड़ करेगी, उस स्थान का कोई बिगाड़ नहीं होगा, तब तक बिगाड़ नहीं होगा जब तक वो संपन्न स्टेज को पाने वाली 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं संपूर्ण निराकारी स्टेज को न पहुंच जाएं। संपूर्ण विजयी न हो जाएं विकारों के ऊपर। जो जो विजयी बनते जावेंगे वो यमुना के कंठे पर पहुंचते जावेंगे। आखिरी आत्मा तक भी परम धाम सेफ रहेगा। जिसे साकारी परम धाम कहा जाए, बाद में उसका भी ध्वंस हो जाएगा। जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के जाने की शुरुआत होगी उनकी स्टेज में,
जो असली परम धाम है, सदाकाल की स्टेज वाला है, फिर इस परम धाम की दरकार ही नहीं। जिसके लिए बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे थोड़े समय के लिए, अपना काम निकालने के लिए। ससुरों का पैर, मातों का पैर दोनों अलग अलग है बाबा। इस अर्थ क्या बोलो? क्या ससुरों का पैर, ससुरों सास का प्यार, सास का प्यार, मातों का पैर दोनों अलग अलग है बाबा। इसका अरे माँ का प्यार बच्ची के लिए मिलता है और सास का प्यार बच्ची के लिए मिलता है। सास और बहू के बीच में कौन है? तो बिचौलिया अपना हिस्सा लेगा कि नहीं? ये दलाल सारा काम बिगाड़ देते हैं। माँ कितना भी कोशिश करे कि मैं सास बन के रहूं, नहीं रह सकती। और सास कितना भी कोशिश करे कि मैं माँ बन करके रहूं, फिर भी पक्षपात बच्चे के लिए करेगी, क्योंकि देह अभिमानी है। ये फाउंडेशन पड़ता है संगम युग से। ये सास बहू की दुनिया का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा है? संगम युग से, श्रीदेवी और भूदेवी। ये किसने कहा कि बिना याद के पवित्र बन जाएंगे? पवित्र बनो और योगी बनो। मन को पवित्र नहीं बनाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे? शरीर को कितना, शरीर को सन्यासी भी पवित्र बना लेते हैं, फिर आप पवित्र घर में जाकर के क्यों जन्म लेते हैं? भिखारियों के यहाँ गुमूत से क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि मन पवित्र नहीं बनाया है। मन 10 इंद्रियों में प्रधान है, 10 इंद्रियां अपवित्र रहती हैं अगर मन पवित्र नहीं है। यहाँ तो मन की पवित्रता की प्रधानता है, मन से ही याद किया जाता है, कोई इंद्रियों से याद नहीं करने की बात है। हाँ, इंद्रियों से संग का रंग लगता है। वो भी प्रैक्टिस ऐसी कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन की एकाग्रता के अभ्यास से, कि चाहे तो इंद्रियों को कोई भी संग का रंग न लगे। जैसे मंदिर में शिवलिंग की स्टेज दिखाई गई है, शिवलिंग मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है, मुकर्रर रथ की यादगार है। कहीं कहीं तो वो शिवलिंग सारा ही गड्ढे में डूबा हुआ दिखाया गया है। एक इंद्रिय की बात नहीं है, सारी की सारी इंद्रियों से वो लिंग गड्ढे में गिरा हुआ पड़ा है।
फिर भी मन उपराम। ऐसी स्टेज जब मन की बन जाए तो इंद्रियों के संग का रंग कोई असर नहीं करेगा। ऐसी पढ़ाई शिव बाप के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। ये दूरवाज खुशवाज रहने वाले धर्म पिताएं तो पढ़ा ही नहीं सकते। जो कन्याओं माताओं की निंदा करते रहे, नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिणी है। अरे अपने ऊपर भी तो दृष्टिपात किया जाए कि नारी नरक का द्वार है तो हम क्या स्वर्ग का द्वार खोलने वाले हैं? नारी सर्पिणी है तो क्या हम सर्प नहीं हैं? कहते नहीं, हम सर्प नहीं हैं। हम अगर सर्प हैं तो फिर लोग हमको गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु से तो सदगति होती है, तो हम सदगति करने वाले हैं। कोई कहे आप ही पतित पावन सदगति दाता हैं, सदगुरु हैं, तो फिर पतित पावन ही गंगा का गायन क्यों है? तो और ही बातें बनाने लग पड़ते। कहते हैं गंगा में पतित मनुष्य जाकर के, पापी जाकर के स्नान करते हैं, अपने पापों को गंगा में बहा देते हैं तो गंगा मैली हो जाती है, और हम उसमें पांव डालते हैं तो हमारे संग के रंग से गंगा पावन बन जाती है। मना शिवो हम शिव हैं, हम गंगाधर हैं, हम गंगा को भी पतित पावनी बनाने वाले हैं। ऐसी झूठी झूठी बातें कर देते हैं। और कन्याएं माताएं तो हैं ही धरणी का रूप, कहां धरणी और कहां आसमान, कहां माता और कहां पिता। तो प्रभाव में आ जाती है। शिव बाप तो सृष्टि पर होता ही नहीं उस समय, इसलिए गुरुओं की चक्करी है, चल जाती है। अभी तो बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, अभी गुरुओं की चक्करी नहीं चलेगी। चलेगी भी तो अल्पकाल के लिए। आखिरी विजय तो किसकी होगी? है जो झंडे पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी। सत्य एक होता है, झंडे में तीन तीन कपड़े हैं, जो तीन शरीर रूपी वस्त्रों की यादगार हैं। तीनों ही सत्य नहीं हो सकते। तीन में से एक ही सत्य है जो गॉड फादर कहा जाता है, जिस एक का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। और और इब्राहिम का ग्रैंडफादर।
हाँ जी ये विक्रमादित्य का पिता है वो गुरु भी है वो रास्ता बताने वाला है विकारी राजा को। द्वापर युग में जो भी राजाएं हुए हैं विकारी बुद्धि हुए हैं या निर्विकारी बुद्धि हुए उन विकारी बुद्धि वालों को पवित्र मंत्रणा देने वाला गुरु भी चाहिए। सतयुग त्रेता में भी ऐसे ही होता है वहां कोई गुरु नहीं होते हैं अलग से बाप ही गुरु होता है। वो परंपरा द्वापर के आदि तक चलती रहती है और शास्त्र तो बाद में लिखे गए हैं पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा आदि आदि गुफाओं में चित्रकारी हुई है मूर्तियां बनाई गई हैं। उन चित्रों और मूर्तियों के आधार पर बाद में शास्त्र लिखे गए हैं। और हो सकता है सतयुग और त्रेता में तो बच्चा बाप को फॉलो करने वाला होता है बाप द्वैतवाद नहीं होता बाप की मत बच्चे की मत पूरे परिवार की मत एक होती है और द्वापर युग में द्वैतवाद छा जाता है बाप की मत अलग और बच्चे की मत अलग हो जाती है। और यू वाणी है ना वाणी दिगंबर द्वार चलाया या प्रजापति द्वार चलाया आगे में यू बाप को कहा जाता है या माँ को कहा जाता है प्यू तो बाप को कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में जो ब्रह्मा को सिखाने वाला था या जगदम्बा बच्ची को बच्ची बनाने वाला था वो बाप था रचयिता था या कोई और था रचयिता ही रचना को चलाता है। रचयिता के जाने के बाद फिर माता मुखिया बन के बैठ सकती है जो बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा के मुख से सन 47 में जब हिंदू मुसलमानों का खून खराबा शुरू हुआ उस समय ढेर की ढेर कन्याएं माताएं जो 7-7 तालों के अंदर बंद की हुई थी सिंध हैदराबाद में वो अचानक छूटेली बन गई। उनके घर वाले ताबड़तोड़ भाग खड़े हुए अपनी अपनी जान बचा के
तब आकर के जब कराची में इकट्ठी हो गई ब्रह्मा बाबा के पास, तो बाबा का नशा चढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई, और हिम्मते बच्चे तो मददे बाप बन गया। बाप ने प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया, तो मुरली कहां से निकलती चली आई, कराची से। उससे पहले बाप 2 बजे लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे, 10-15 पेज लिखाया जाता था। उस लिखे हुए मैटर को बाद में क्लास में पढ़कर सुनाया जाता था। मुरली नहीं चलती थी, तो किसके द्वारा ये कार्य होता था, कौन लिखाता था, है कौन बाप? प्रजापिता मौजूद था 47 से पहले, शिव बाप। किसके द्वारा लिखाते थे? हाँ, गीता माता में प्रवेश होता था। ब्रह्मा के द्वारा मुरली नहीं चलती थी, ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे। मुरली में भी आया है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर होकर के बैठते थे। उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो कौन थे पढ़ने वाले और कौन थे पढ़ाने वाले? मम्मा ओम राधे और दादा लेखराज थे पढ़ने वाले स्टूडेंट, और पढ़ाने वाली माताएं थी। जिनमें से एक माता में प्रवेशता साबित होती है मुरली के महावाक्यों के आधार पर, जो मुरली बोली गई 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी। माना कोई पुरुष था, कोई माता थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। उनमें से वो पुरुष तो चला गया, माता रह गई। आदि से ही प्रवेशता होती चली आई है, जब से साक्षात्कारों का रहस्य खोला, बाप के डायरेक्शंस मिलते चले आए हैं। बाप हिंदुस्तान में आते हैं या पाकिस्तान में आते हैं तो हिंदी ही बोलेंगे, दूसरी भाषा क्यों बोलेंगे? इसीलिए तो जो लेटर्स के जवाब देते थे वो सिंधी लिपि में देते थे। हाँ, हिंदी भाषा थी और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता था, सिंधी का अनुवाद हिंदी में होता था। तो युवाणी भी हिंदी भाषा में लिखते थे? युवाणी भी हिंदी में, ब्रह्मा बाबा हिंदी भाषा में लिखते थे, बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। वो काम तो प्रजापिता के जाने के बाद का है। 36 से 42 वो बीच में लिखाई का नहीं है।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वहाँ तो बाप मौजूद था ना, खुद बोलेगा वो पीऊ की वाणी है। उसको लिखने की दरकार नहीं थी और पाकिस्तान में डब्बा में डाल के गाड़ दिया है वो कौन? जो भी वाणी सुनाई जा रही थी वो वाणी तो वही थी जो प्रजापिता के द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया था। बाद में ओम मंडली और एंटी ओम मंडली का जब झगड़ा हुआ धोबी घाट के आधार पर, तब दो पार्टियां हो गई। आदि में हुआ तो अंत में भी होगा, तब पता चलेगा कि धोबी घाट के राज को किसने समझा और किन्होंने नहीं समझा। उस समय समझने वालों और अनुमोदन करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी रह गई, वो एंटी ओम मंडली कही गई, और जिन्होंने नहीं समझा विरोध किया धोबी घाट की बात का, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो बात बदल जाएगी रह जाएगी, बात बदल गई, उस समय से ज्ञान भी बदल गया। पीयू की वाणी तो रही यज्ञ में, लेकिन खतरनाक वाणी साबित हो रही थी। उनके शरीर छोड़ने के बाद इसलिए उस वाणी को इकट्ठा करके जमीन में दफना दिया और सोचा यहां से चलो, ये तो मुसलमानों की दुनिया बन गई। ये तो हिंदुओं का विरोध ही करेंगे, हिंदू माने जो हिंसा करने वाले हैं, हिंसा की बात है वो हिंसा को दूर नहीं करेंगे। ये धोबी घाट तो हिंसा की बात है क्या? ये हिंसा की बात है, ये पाकिस्तान में तो मुसलमानों का जास्ती हो गई, जास्ती संख्या हो गई, ये तो हिंसा को और बढ़ाए देंगे, इसलिए यहां से उठाओ संडीला और भारत में चलो। वहां पवित्रता को बहुत मान देते हैं। तो वो वाणी को वहीं दफना दिया और कहां आ गए? भारत में आ गए। भारत में चलो करने का डायरेक्शन में शिव बाप ने उत्तर दिया ना। अच्छा, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई मुरली है? हमारा कहां गया है? ऐसा कहते हैं मुरली में नहीं आया, पकड़ लो दो एक वाक्य कन्नड़ की वाणी में पकड़ लेना। और नई दुनिया वो स्वर्णिम संगमय की दोनों अलग अलग है या एक ही है? सौ परसेंट नई दुनिया तब कहेंगे जब 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी पतित आत्मा दुनिया में न बचे तो कहेंगे पतित दुनिया खलास,
पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता। और जब अन्य सारी दुनिया की विनाश होगी तब सभी आत्माएं परमधाम में चले जाते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में उतरने वाले होंगे नारायण और लक्ष्मी की आत्माएं, उनके पीछे पीछे उतरने वाले अष्टदेव होंगे या राधा कृष्ण वाली आत्मा। राम और कृष्ण की आत्माएं एक ही शरीर में रह करके साथ साथ पढ़ाई पड़ती है या आगे पीछे पड़ती है? तो साथ साथ पढ़ाई पड़ी है और साथ ही साथ संपन्न बनती है या आगे पीछे संपन्न बनती है? फिर हाँ हाँ, तो जब साथ साथ पढ़ाई पड़ेंगी साथ साथ संपन्न बनेंगी तो साथ ही साथ नीचे उतरेंगी या आगे पीछे उतरेंगी? नीचे तो उतरेंगी साथ ही साथ, लेकिन पहले बुद्ध रूपी क्षेत्र में, बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाएंगी। बाद में जब कंचन काया बनेगी संपूर्ण विनाश होने के बाद, तब स्थूल पेट से जन्म लेंगी। अष्टदेवों का भी ऐसे ही होगा। गनीमत बने है, गनीमत मना, जैसे कहते हैं शुक्र है खुदा का, ऐसे कहते हैं गनीमत है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो सत्यानाश हो जाता। हाँ जी, पहले जन्म में आबादी तो 9 लाख होंगे? नहीं, 9 लाख 7 हजार। 9 लाख एकदम शुरुआत में कैसे होगी? 150 ईयर्स में 9 लाख होंगे। हाँ जी, उनके साथ 108 दिन शामिल होंगे। बिल्कुल, 16 हजार की संख्या वो भी होगी, पूरा 16 हजार। हाँ, लेकिन दास दासियों की संख्या ज्यादा होगी, राज परिवार की संख्या थोड़ी होगी। जो आदि में दास दासी होंगे वो त्रेता के अंतिम जन्म में या सतयुग के अंतिम जन्म में जाकर के ताज पतलून मिल जाएगी। बार बार शुक्रवार करके भगवान को जगाते है ना, या है? क्या सुप्रभात, खुद सोए हुए हैं तो भगवान को जगाते हैं, खुद अज्ञानी हैं तो सूरज को जल चढ़ाते हैं, खुद अज्ञानी हैं तो देवताओं के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाते हैं। शूटिंग कहाँ की है? संगम युग में, बेसिक में जो भी भगत हैं अभी भी, उन्होंने ही ज्ञानियों को जल चढ़ाया है। क्या? हाँ जी, 76 तक तो वो यादगार भक्ति मार्ग में चली चली आ रही है कि जो भक्त हैं वो देवताओं को जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान को उठाते हैं, घंटे बजाते हैं। समझते हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं, हे शंकर पार्वती भगवान तुम जग जाओ, हम आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो दरवाजा हम खोल दें, हमारे ऊपर पाप चढ़ जाए। और
आत्मा को कैसे निशानी मिलेगा माया से छुटकारा मिला। ये विष्णु को चार अलंकार क्यों दिखाए है? ये संपन्न स्टेज की निशानी है या अधूरी स्टेज की निशानी है? संपन्न स्टेज की निशानी है। कोई नया भट्टी करके आया है पूछ रहा है। बाबा सत्यजी शूटिंग 60 से 70 तक है, 60 से 70 तक सत्यजी शूटिंग है या आगे पीछे? जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से या सेवा के हिसाब से कहें तो 60 से 76 तक सतयुगी शूटिंग, और वैसे तो सन 36 से लेकर के 76 तक का सारा टाइम सतयुगी शूटिंग का ही है। वो चार अवस्थाओं में बटा हुआ है। जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक सतो प्रधान सतो सामान्यता की शूटिंग होती रही, और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया और गुरुओं के हाथ में शासन आ गया तो द्वापर और कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। विदेशों में भी सेवा केंद्र खुलना शुरू हो गए, जनसंख्या की वृद्धि शुरू हो गई, और धर्म की आत्माएं तेजी से प्रवेश करने लगी। और जब मेले मलाकड़े शुरू हुए तो बहुत ही तामसी वृत्ति बढ़ गई, बहुत मेला इकट्ठा होने लगा। तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने पालड़ी सेवा केंद्र खोला। ब्राड ड्रामा में द्वापर युग में कैसे मंदिर बनते हैं? अरे पहला मंदिर कौन सा बना है भक्ति मार्ग में? कहाँ बना है? गुजरात में। संगम युग में भी कहाँ बनता है? गुजरात में। और ब्राड ड्रामा में भी कहाँ बनता है? गुजरात में। संगम युग में भी सागर के कंठे पर बनता है, सागर के किनारे का सेवा केंद्र। उस समय एक ही सेवा केंद्र था माउंट आबू के नजदीक, कौन सा? पालड़ी सेवा केंद्र। और खुलवाया किसने? जो राजा विक्रमादित्य की आत्मा है, द्वापर युग के आदि में राजा बनती है, उसने ही खुलवाया अपने राजकोष से। तो यज्ञ में भी यज्ञ की संपत्ति से एक ही सेवा केंद्र खोला गया, कौन सा? पालड़ी सेवा केंद्र। और बाबा लौकिक है शरचंद्र दर्शन का, शरचंद्र दर्शन है उत्सव करते हैं, इसके लिए 80 साल भी होना चाहिए। 80 साल होना चाहिए क्यों? और सरस्वती का दर्शन भी होना चाहिए, तब एक प्रोग्राम रखते हैं। 80 साल क्या वही पता नहीं, शांति करते हैं आदमी को 80 साल होने के बाद ये करते हैं। शरीर का उम्र 80 साल ऊपर होना चाहिए। हाँ
शरीर की उम्र जब 80 साल होती है तो चंद्र दर्शन होता है। अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा की 80 साल कब पूरे हुए? 2018 है। ब्रह्मा बाबा के शरीर के 80 साल कब पूरे हुए? अरे खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद ही जानते हैं तभी तो पूछ रहे हैं। नहीं, 76 से ब्रह्मा बाबा की एज का कनेक्शन नहीं है। ब्रह्मा बाबा की एज का कनेक्शन है, हाँ जी, 67 नहीं, 87 में 100 साल पूरे होते हैं। क्या 87 में 100 साल पूरे होते हैं, उसमें से 20 साल घटा दो है 67-68 का जो टाइम है वो उनका 80 साल की उम्र हुई। जब 80 साल पूरे होते हैं तो आर्म से स्ट्रांग चंद्रमा पर जाता है, तब चंद्रमा की खबर लाता है। तो ये कनेक्शन है, व्यंग मार्ग की सेवा उस टाइम से शुरू होती है। जिसकी भुजाओं में दम है, स्ट्रांग भुजाएं हैं, वो चंद्रमा पर जाता है। ऐसा भक्ति मार्ग में दिखाए रहे हैं। और रामदेव और विवेकानंद ये सभी इनका जो फॉलोअर्स है, बिना चिंता के मतलब जो आत्माएं हैं वो उनको फॉलो करेंगे। है क्यों हिंदू फॉलो नहीं करते हैं? विवेकानंद को और रामकृष्ण परमहंस को हिंदू लोग फॉलो नहीं करते हैं? रामदेव और विवेकानंद को कहा, रामदेव अलग है, रामकृष्ण विवेकानंद का गुरु था। तो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम हिंदुस्तान में भी है और ढेर के ढेर है। तो जैसा विदेशी धर्म में फॉलो करते हैं, मतलब वही हिसाब से प्रत्यक्षता भी होता है क्या अंत में? जिस जिस गुरु का फॉलो होता है उसके अंदर वही धर्म का आत्मा करके प्रत्यक्ष होता है, सबका बात होता है अंत में, सबका बात खुलने के समय पर उसी अनुसार से होता है क्या? पहले बाप का पार्ट प्रत्यक्ष हो, फिर बच्चों का पार्ट प्रत्यक्ष हो, पहले धर्म पिता प्रत्यक्ष हो, फिर नंबर बार फॉलोअर्स प्रत्यक्ष हो। और अभी 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 जो ये गुरु लोग उतर रहा है तो उनका जो फॉलोअर्स रहता है उसमें देवी देवता धर्म की आत्माएं नहीं रहते क्या? क्यों नहीं रहेंगे? 33 करोड़ देवताओं में ही तो ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है। ऊपर से आने वाले कोई भी धर्म की आत्माएं हो वो प्रवेश किस में करेंगी? 33 करोड़ में। ये भारतवासी ही अबला स्वभाव के हैं, ये मातृ देश है, भगवान इनका सहयोगी बनता है तो सबल हो जाते हैं, शिव शक्ति बन जाते हैं। जब भगवान नहीं होता है
तो विदेशी इनके ऊपर सवार हो जाते हैं, वो भी सबके ऊपर सवार नहीं हो पाते। जो नान सूर्यवंशी हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और अभी जो ये गुरु लोग है वो तो देवी देवता धर्म का आधार है, जो भी नई आत्मा आता है वो अपना धर्म शुरू करते हैं। हाँ जी, बाबा अभी का मुरली में आया जो मंदिर बनाते हैं भक्ति मार्ग में, उनको एक जन्म का प्राप्ति मिलता है। मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाए, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, हॉस्पिटल बनाए, तो उसका फल अगले जन्म में मिल जाता है। अभी तो बहुत अंतिम टाइम चल रहा है, तो क्या हुआ अभी नहीं बना रहे हैं क्या? अभी बना रहा है। हाँ, फल उनको अगले जन्म में कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा, भगवान ही मिल जाए, हो सकता है बेसिक नॉलेज में आ जाए। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं आ सकते, फिर क्या बात है? आ रहे। चलो भैया, समय की घंटी बज गई है।